अमदावाद कोर्पोरेशननी सामान्य सभा में भारे होबाळो मची गयो छे। हाटकेश्वर ब्रिज मुद्दे विपक्षे सभा में हल्ला बोल कर्यो हतो। विपक्षे काळा बेनर साथ कोर्पोरेशननी सभा में होबाळो मचाव्यो। कोंग्रेसना तमाम कोर्पोरेटरे मेयरना डायस पर चढ़ी विरोध नोंधाव्यो हतो। विपक्षनो आक्षेप छे कि हाटकेश्वर ब्रिज ए भ्रष्टाचारनो पायो छे। आ ब्रिजना तमाम रिपोर्ट सामे आवी गया होवा छतां हजु सुधी कोई पगला भराया नथी। एएमसी में सौथी वधु भ्रष्टाचार ब्रिज प्रोजेक्ट में थई रह्युं छे। आ मुद्दे विपक्षना नेता द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठावायो हतो, जो कि विपक्षना सवाल पर सत्तापक्ष तरफथी कोई जवाब अपायो नथी, जेथी होबाळो वधु वकर्यो हतो। કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં હંગામો થયેલો જોવા મળ્યો। બ્રિજને લઈને અનેક કૌભાંડો થયા હોવાનો વિપક્ષ દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે અને આ જ બાબતે જે સામાન્ય સભામાં લોકોને પ્રાથમિક જરૂરિયાતો અને ચીજવસ્તુઓ બાબતે જે ચર્ચા થવી જોઈએ તેની સામે ભાજપ અને કોંગ્રેસના તમામ નેતાઓ આમને સામને આવી ગયા હતા અને કોંગ્રેસે એએમસીમાં થતા ભ્રષ્ટાચારને બંધ કરવાના બેનરો સાથે મેયરના ડાયસ પર ચડી અને અલગ અલગ રીતે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને સૂત્રોચ્ચાર કર્યો હતો। વિપક્ષના નેતા છે અમીન સાથે તેમની સાથે વાત કરી, શા માટે વિરોધ? एक तरफ हाटकेश्वर का 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया हुआ ब्रिज टूट जाता है, लेकिन फिर भी शर्म की बात तो यह है कि पिछले एक महीने से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी द्वारा ना अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा। आज सामान्य सभा में मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है कि मुझे जवाब चाहिए कि कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और करने वाले तो क्या कार्रवाई करने वाले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। तो आज डायस पे आके कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि आप जवाब दो कि हाटकेश्वर ब्रिज में क्या हुआ है और उसमें ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। कोई पण प्रकारनो जवाब न मळता आखरे विपक्षना तमाम कॉर्पोरेटर अने नेता विरोध करी रह्या छे, जेना पगले बोर्ड ने केटलाक अंशे असर थई। कैमरामैन तौसिफ मलिक साथे जिग्नेश।